तो आप लोगों को पता है कि दोस्तों YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो ट्रेंड करती हैं। आप लोगों को पता है कि YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो के जो इंक्रीजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है अदर प्लेटफॉर्म के अनुसार। आप लोगों को ये भी पता है कि YouTube शॉर्ट्स वीडियो के लाइक्स और व्यूज़ आपके जेन्युइन हैं और ऑर्गेनिक वे से मिलते हैं और उसको खुद प्रमोट कर रहा है YouTube। तो YouTube पर जब भी कोई आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं तो उनमें कैसे टैग्स होने चाहिए, आज के इस टॉपिक पर हम आते हैं। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। पर मेरे सभी पेज पर आप जुड़ सकते हैं, आपके सामने ये फ्लैश है। आज के इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वीडियोस आप बना रहे हैं वो वीडियोस आप 30 सेकंड के अंदर आपको कुछ ऐसा कर डालना है जो लोग उसको एंट्रैक्टिव वे से देखें। यानी कि अगर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो लोग सिर्फ स्वाइप अप करके ही छोड़ दें तो आपका वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसमें अच्छे भी टैग लगाएं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके वीडियो के अंदर क्वालिटी होगी, यूनिक कुछ होगा उसके अंदर, तो बिना टैग के भी आपकी वीडियोस रैंक करती है और वो ट्रेंडिंग भी पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर टैग लगाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दाल के साथ चावल का मिलना इम्पॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल मैंने वैसे ही दे दिया अपने खाने के लिए, भूख लग रही थी। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि YT शॉर्ट्स में जो टैग यूज़ होते हैं वो आपके सामने ये फ्लैश हो रहे हैं। आप यहाँ पर पहला टैग लगा सकते हैं शॉर्ट का। यहाँ पर पहला टैग जो YouTube सेक्शन में आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद जो टैग होते हैं ये वही टैग लगने हैं। तो पहला टैग आपका शॉर्ट हो गया। दूसरा जो टैग है आपका वो है शॉर्ट्स वीडियोस। शॉर्ट्स वीडियोस पर आप ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट ऊपर जो है उसमें लास्ट में एस नहीं है, तो वो सिर्फ शॉर्ट है। नीचे जो टैग है ये टैग शॉर्ट्स वीडियो का है। तो आप यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो लिखेंगे या फिर शॉर्ट वीडियोस भी लिख सकते हैं। अब तीसरा जो यहाँ पर टैग है वो शॉर्ट्स का है। ऊपर और नीचे अगर आप देख पाएं तो उसमें एक ही वर्ड का अंतर है और वो है एस का। तो वहां शॉर्ट था, यहां शॉर्ट्स है। तो आप यहां पर तीसरा जो टैग है वो लगाएंगे शॉर्ट्स का, और इसके बाद जो चौथा टैग आप यहां पर लगाएंगे वो आपका यूट्यूब शॉर्ट्स है। अब आप यूट्यूब शॉर्ट्स में भी लास्ट में एस लगाएंगे। तो ये सभी टैग हैं जो कि आपको नॉर्मल जितनी भी आपकी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन और नीचे जाकर आप ये टैग यूज़ कर सकते हैं। पर इतना ध्यान रहे कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप ये सब लिख रहे हैं तो आप इसमें हैशटैग यूज़ करेंगे। अगर आप हैशटैग यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके टैग्स पर इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके अलावा आप इसको अपने टैग पार्ट में डालते हैं, यानी कि टैग के कॉलम में डालते हैं, तो ही आपके ये टैग काम करेंगे और वहाँ पर हैशटैग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये हैशटैग आपको वहाँ पर नहीं लगाने दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने यही समझा कि आप अपनी वीडियोस में अच्छे टैग्स कैसे लगा सकते हैं, और यही वो टैग हैं जो आपकी वीडियोस अच्छी इंक्रीजमेंट होती है इन टैग्स की वजह से, क्योंकि बेहद इम्प्रूव टैग्स हैं और इस टैग्स को यूज़ करने के बाद खुद भी यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को प्रमोट करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।